बगे उपर पंजाब पुलिस की कार्रवाई बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी उत्ते हमलावर है। कांग्रेस ने भी इल्जाम लाया कि केजरीवाल पंजाब पुलिस नू कंट्रोल कर रहे ने। तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए आया, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम का जुम्मा सौंपा। आप जानते वो कौन है? वो डीएसपी है जिसका देश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर के साथ नाता है। उस डीएसपी को देश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर सरबजीत सिंह, जो कि आजकल जेल में बंद है, उसने इसकी पोस्टिंग कराई। और ये कैसे हुई? जो एक ऑडियो लीक हुई डीजीपी चट्टोपाध्याय की मीटिंग की, जो सारी अखबारों की सुर्खियां बनी, टीवियों की सुर्खियां बनी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है सरबजीत के द्वारा कि हम इस कुलजिंदर सिंह को, आप देखिए 39 नंबर पर ये है कुलजिंदर सिंह, डीएसपी पट्टी 2 एससीएस नगर। उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि इसको हम एससीएस नगर मोहल्ली लेकर आएंगे, ये आरडीएक्स पंजाब में लेके आएगा, धमाके होंगे। और यह कहा गया कि हम एक सेफ हाउस बनाएंगे, वहां पे लोगों को लाके डिटेन करेंगे और मोदी की आंखें खोल देंगे। ये उस ऑडियो का हिस्सा है। और आजकल ये जो कुलजिंदर सिंह आया था, इसका नाम कुलजिंदर सिंह है, लेकिन ये सब कुछ जब एक्सपोज हो गया कि इसका ड्रग नेक्सस के साथ इतना बड़ा नाता है और आतंकियों के साथ, तो आजकल इसने अपना नाम बदलकर KS संधु रख लिया, KS संधु। अब ये डीएसपी जो तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आया, अरविंद केजरीवाल देशद्रोहियों के साथ, देश विरोधियों के साथ, नशा तस्करों के साथ संबंध रखकर तजिंदर बग्गा को अरेस्ट कराने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए भगवंत मान जी, मैं गलत कह रहा हूं? बताइए डीजीपी साहब, मैं गलत कह रहा हूं? बताएं भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी से पूछें क्यों दस्तरों के साथ उनका वास्ता है, क्यों जो लोग आरडीएक्स आना चाहते थे उनके साथ वास्ता है। और मैं गलत हूं, तुम मेरे को आज टीवी पे आके जवाब दो, मेरे पास कार्रवाई करो अगर मैं गलत हूं। मैं सच बोल रहा हूं, तुम आतंकियों का साथ दे रहे हो, ड्रग तस्करों का साथ दे रहे हो अरविंद केजरीवाल। सो जेडी बग्गा जी वाली घटना वापरी है, वो ये जरा रीति रिवाज है, पहला बीजेपी ने पाया, हुण आम आदमी पार्टी बी टीम वांग, उन्हां दी सेकंड टीम वांग काम कर रही है। इसे तरह ही वो मिस्टर मेवानी जिहड़े साडे एमएलए गुजरात सन, उन्हां नूं असाम पुलिस ने फड़िया। फिर आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि केजरीवाल साहब दी कई सालां तों चाहत सी कि पुलिस मेरे कंट्रोल च नहीं है, हुण पता लग्या कि वो पुलिस नूं आपदे कंट्रोल च क्यों लैके आउणा चाहुंदे सन। सो हुण पुलिस उन्हां दे कंट्रोल च आई तां उन्हां ने पहलां अलका लांबा, कुमार विश्वास और तीजा बग्गा, क्योंकि वह दोनों हथों निकल गए सन, पर जिस प्रकार इन्हां ने नियमां दी उलंघना करदे होए एक टीम बग्गा दे घर च, बेशक वह बीजेपी नाल संबंधित ने, पर मैं एक आम नागरिक होण दे नाते जिहड़ी संविधानिक दे खिलाफ गल है वह नहीं होनी चाहीदी। जिस तरह पंजाब सरकार ने और केजरीवाल साहब दे चाहत दे मुताबक पंजाब पुलिस दी दुरवरतों कीती गई है, नहीं होना चाहिदा सी। उन्हां नू अथॉरिटीज़ नाल गल करके पहला उन्हां दा वरंट लैके ही गल करनी चाहिदी सी, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पहला कोर्ट च गए, वरंट लए, फिर उन्होंने जाके बंदा लिया, फिर छुड़वाया। सो अज मैं समझदा कि बहुत वड्डी, जे मन सोचिया जावे, जे किसी नू लगे तो बहुत वड्डी इंसल्ट पंजाब दी ते पंजाब पुलिस दी हुई है, और कीरे करके हुई है। ये केजरीवाल साहब दे आपदे जिहड़े स्कोर है उन्हां नू सैट करन वास्ते हुई है, ये नहीं होना चाहिदा। इस तरह की तोहीन पूरी दुनिया भर दे विच इहदी चर्चा है। जिहड़े लोग कहिंदे सी असीं वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करांगे, ये जिंदा जागदा सबूत दिल्ली दे विच होणे ट्वीट किया, दिल्ली के उन्हें बयान दिता, दिल्ली के बंदे दे दिता, उन्हों दिल्ली कंप्लेंट लिखानी चाहिए सी। सो मैं लगता कि सच्चाई हौली हौली पंजाब की जनता ये बदलाव के रूप है जान रही है। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? भाई हरियाणा पुलिस कोई भी पुलिस है, कोई गलत काम हो रहा है, अगर दिल्ली पुलिस ने उन्होंने इतलाह दी होनी है तो फिर उन्होंने उन्हें रिएक्ट किया। जे वो थ्रू प्रोसीजर बंदे लैके आ, पहली गल तो FIR देना गलत है, वह बंद ही नहीं है, हर बंदे नू हक है आपकी गल रखन दा, ये मैंडेट मिलिया होया है। ये तिने FIRs गलत हुई हैं, अलका लांबा, कुमार विश्वास, बग्गा जी, ते फिर जे FIR दर्ज की फिर तुसी
प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किए गए। सो मैनू लगता है कि ये वही अनएक्सपीरियंस बचकाना हो सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नू इस घटना के बारे पता भी ना हो, क्योंकि दिल्ली की पुलिस नू ता होर लोग चला रहे ने, पंजाब की पुलिस नू ता होर लोग चला रहे ने। देखो पंजाब की शांति नू पंजाबी बड़े तकड़े, पंजाब की शांति नू कोई भंग करने की कोशिश करूगा, की सी ना पटियाला च, चाहे वह हिंदू सी चाहे वह सिख सी, उन्होंने कट्ठे होके सरकार ने थोड़ी कुछ किया, सरकार को समा ही नहीं लग्या उत्थे जाण दा, समय ही नहीं लग्या। मरेलकोट दे मलेरकोट ले चले गए, 37 किलोमीटर दूर सी उत्थे भगवंत सिंह मान हजे तक विजिट भी नहीं पा के आए, वो पंजाबी तकड़े ने। लेकिन इस तरह की जिहड़ी गल है, एजुकेशन मिनिस्टर नौजवान मुंडा है, इस तरह की गल करेगा तो कल नूं पंजाब दे लोग पसंद नहीं करनगे। ये प्योरली विंडेटा पॉलिटिक्स है, जनता नूं मीडिया हाउसेस नूं आम व्यक्ति नूं भी एरी मैं लगता एरे बारे जानकारी। फिलहाल के लिए इना ही, देश दुनिया दी तमाम खबरां वेखने लई तुसी वेखदे रहो ABP साझा।